वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज का मैं आपको जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है फ्लैश वार्निंग वाला स्टेटस, आप अपने अलर्ट मोशन में कैसे बना सकते हैं, इसका मैं इस वीडियो में ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। दोस्तों आपने बहुत सारे फ्लैश वार्निंग वाले स्टेटस देखे होंगे, लेकिन उनके लिए काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने अलर्ट मोशन एप्लीकेशन से फ्लैश वार्निंग वाला स्टेटस कैसे बना सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों फ्लैश वार्निंग वाले स्टेटस को बनने के लिए अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एड वाले सिंबल पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन 1080x2340, फ्रेम रेट 60 FPS, और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है, और मैंने जो आपको सॉन्ग प्रोवाइड किया है इस वाले सॉन्ग को आपको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, और टेलीग्राम पर भी मैं सॉन्ग अपलोड कर दूंगा। इस वाले सॉन्ग पर ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस वाले सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों ये सॉन्ग हमारा है 8.58 सेकंड का हमारा सॉन्ग है, तो इतना हमें स्टेटस बनना है। दोस्तों एक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज वीडियो में जाकर जिन भी इमेज पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं, जिस भी इमेज पर, एक इमेज या अलग अलग इमेज पर भी आप चाहते हैं तो स्टेटस बना सकते हैं। दोस्तों आपने पीरियड में अलग देखा होगा, लेकिन मैं एक ही इमेज पर आपको स्टेटस बनाना सीख रहा हूँ। दोस्तों अगर आप दो इमेज को यूज़ करके स्टेटस बनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मैं प्रोसेस आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। तो एक इमेज को इस तरह से ऐड कर लेना है। दोस्तों इमेज को ऐड कर लेने के बाद अगर आपकी इमेज फुल स्क्रीन है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए, और आप इसे थोड़ा सा जूम कर सकते हैं दो उंगलियों से। एक करने के बाद दोस्तों आपको एंड तक इस इमेज को एक्सटेंड कर देना है इस वाले बटन की मदद से। दोस्तों एक करने के बाद आपको सॉन्ग को प्ले करना है, और आपको आना है, आप सॉन्ग को सुन लेने के बाद आपको आज 4.38 सेकंड तक आने के बाद इस इमेज को आपको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ से हमारा मेन बीट चालू होगा, जिसमें हमें फ्लैश वार्निंग वाला स्टेटस जो कलर चेंज होता है वैसा इसमें इफेक्ट लगा देना है। दोस्तों एक कर लेने के बाद हमने जो इमेज स्प्लिट किया उस पर आपको टच करना है, सेकंड नंबर वाली इमेज इस पर टच करने के बाद हमें इसमें इफेक्ट लगा देना है फ्लैश वार्निंग वाला। तो आपको इफेक्ट पे टच करना है, ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट पे टच करना है, और नीचे सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेक्ट्रल मैप, तो इस वाले इफेक्ट को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा। दोस्तों एक कर लेने के बाद आपको नीचे आना है, और कलर में एक नंबर वाला, तीन कलर है तो नंबर वन वाले कलर पे टच करना है, उसमें आपको रेड कलर डिफॉल्ट होगा वैसा ही कलर रहने दीजिए रेड कलर को। कलर टू पे टच करना है, और कलर पे टच करके आपको ब्लैक कलर इसमें सिलेक्ट कर देना है, और तीन नंबर कलर में आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देना। दोस्तों देखिए इस तरह से हमारा फ्लैश वार्निंग वाला इफेक्ट इसमें लग चुका है। दोस्तों कलर के बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद उसमें हमें स्पेक्ट्रल मैप में ही सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आपको 0.270 इतना इसकी सैचुरेशन लेवल रखनी है। दोस्तों एक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में सबसे ऊपर फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, और जहाँ पर हमने इमेज स्प्लिट की थी उसके स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए, और इमेज के एंड में हमारा जहाँ पर स्टेटस एंड होता है वहाँ पर एक एनिमेशन लगा कर फेस को आपको बढ़ा देना है। दोस्तों देखिए 10 के ऊपर रख दीजिए फेस को, 11, 12, 13 आप जितना रख सकते हैं उतना रख दीजिए। दोस्तों ये कर लेने के बाद आपको बैक आना होगा, बैक आने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों हमारा इसमें फ्लैश वार्निंग वाला स्टेटस इफेक्ट हमारा लग चुका है। दोस्तों काफ़ी सिंपल स्टेप में हमने ये स्टेटस बनाया है। आप अगर दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको ऐप चलाने में भी प्रॉब्लम आती है, और वो काफ़ी डिफिकल्ट भी आपको लगता है, इसलिए मैंने अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में आपको ये ट्यूटोरियल दिया है। दोस्तों ये कर लेने के बाद अगर आपको फ्लैश वार्निंग वाला यहाँ पर एक PNG लगाना है तो अभी आप लगा सकते हो, ये वाली PNG है, मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाली PNG इसको आपको ऐड कर देना है। सबसे पहले ऐड कर लेने के बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको नीचे खींच लेना है। दोस्तों नीचे खींच लेने के बाद आपको इसमें इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाकर नीचे ऑप्शन नीचे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑपोजिट एंड विजिबिलिटी, उसमें ब्लिंक को सिलेक्ट कर दीजिए स्टैंडर्ड सेटिंग में। ये देखिए दोस्तों इसको आपको हमारे जहाँ पर हमने दो पार्ट में स्प्लिट की थी इमेज को वहाँ तक रख दीजिए इस फ्लैश वार्निंग के PNG को, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करके इसको एक्सटेंड कर देना है इतना। दोस्तों अब देखिए काफ़ी कमाल का हमारे यहाँ पर स्टेटस बन चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर इनेबल कर दिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक्नो जय, साइनिंग ऑफ।